जय हिंद साथियों, वेलकम टू सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन। यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, 8 जनवरी है और 8 जनवरी से संबंधित जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों पर आज हम डिस्कस करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो भी आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें करंट अफेयर्स जरूर पूछा जाता है, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, मैं बता दूं कि सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन में रोज शाम को 6:30 बजे करंट अफेयर्स और सामान्य ज्ञान से संबंधित लाइव क्लास होती है और रात्रि 9 बजे हिंदी साहित्य से संबंधित क्लास होती है, तो वो जरूर देखें। और ये वीडियो आपको पूरा देखना है क्योंकि मैं वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन आपको देता हूँ जो कि आपको कमेंट के माध्यम से उत्तर बताना होता है, तो सभी लोग बताएंगे, ठीक है। और मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ना है दोस्तों, टेलीग्राम ग्रुप में बहुत सारे साथी जुड़े हुए हैं, सभी को स्टडी मटेरियल प्रेषित किया जाता है और इस वीडियो की PDF भी आपको टेलीग्राम ग्रुप में ही मिलेगी। तो दोस्तों, आपको बेल आइकन को दबाना है और सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। और ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, तो कोई भी डाउट भी क्लियर कर सकते हैं। आपका पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने अपने भूमि रिकॉर्ड को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के वेब पोर्टल से एकीकृत करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो इसका सही उत्तर अगर आपको पता है तो कमेंट में बताएं। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों महाराष्ट्र, यानी कि जो विकल्प नंबर 4 है वो इसका सही हो जाएगा। हाल ही में जो है महाराष्ट्र ने भूमि रिकॉर्ड को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के वेब पोर्टल से एकीकृत करने वाला पहला राज्य का दर्जा हासिल किया है, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। इसके माध्यम से ओवर इंश्योरेंस धारित भूमि से अधिक भूमि का बीमा तथा अपात्र व्यक्तियों द्वारा उपयोग किए गए बीमे की जाँच में मदद मिलेगी। वित्तीय इस योजना को वर्ष 2018-19 के दौरान महाराष्ट्र की 1.39 करोड़ किसानों ने अपनाया तथा कुल 4,778.30 करोड़ रुपए की प्रीमियम राशि एकत्रित की गई। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना वर्ष 2016 में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत प्रारंभ की गई थी। तो आपको याद रख लेना है कि भूमि रिकॉर्ड को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के वेब पोर्टल से एकीकृत करने वाला पहला राज्य कौन है, तो आपका उत्तर होना चाहिए महाराष्ट्र। और जब भी महाराष्ट्र की बात आती है तो मैं बताता हूँ कि महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई और महाराष्ट्र के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, याद रख लेना है। और यहाँ के हाल ही में उप मुख्यमंत्री बने हैं अजित पवार जी और यहाँ पर ज्योतिबा राव फुल्ले ऋण माफी योजना का भी प्रारंभ की शुरुआत की गई है, तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है महाराष्ट्र के बारे में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की जाएगी? आपको जल्दी से बताना है, भारत के पहले है इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना कहाँ पर की जाएगी? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों कर्नाटक, यानी कि जो विकल्प नंबर 4 है वो इसका सही हो जाएगा। कर्नाटक के बारे में सभी को पता है कि इसकी राजधानी है बेंगलोर और बेंगलोर में इसरो का मुख्यालय है जो कि हमेशा चर्चा में रहता है और इसरो के वर्तमान अध्यक्ष हैं के सिवन साहब, ठीक है, याद रखो। और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र की स्थापना कर्नाटक के चल्लाकेरे शहर में की जाएगी। इस प्रशिक्षण केंद्र का निर्माण 400 एकड़ क्षेत्र में 2700 करोड़ रुपये की लागत से किया जाएगा। इस प्रशिक्षण केंद्र में विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। यह भारत के गगनयान एवं अंतरिक्ष अभियानों में सहायता प्रदान करेगा। तो आपको याद रख लेना, आपसे पूछा क्या जाएगा कि पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना कहाँ की जाएगी, तो वो की जाएगी कर्नाटक में। तो याद रख लेना है कर्नाटक के किस शहर में, तो चल्लाकेरे शहर में। अगला हमारा प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी आग से किस वन्य प्रजाति की आधी आबादी समाप्त होने का दावा किया गया है? जी हाँ दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑस्ट्रेलिया, आपको पता होगा, आपसे पूछा जाता है कि सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो आपका उत्तर होता है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में हाल ही में आग लगी और इस आग में किस प्रजाति की आधी आबादी जो है समाप्त होने का दावा किया है, तो इसका सही उत्तर होगा कोआला, यानी कि जो विकल्प नंबर 1 है वो सही हो जाएगा। कोआला प्रजाति बनी प्रजाति की आधी आबादी समाप्त हो गई। ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लगने से पेड़ों पर रहने वाले भालू की एक प्रजाति कोआला की आधी आबादी खत्म होने का अनुमान लगाया गया है। यह माना जा रहा है कि दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया के द्वीप पर लगी आग से 50% कोआला मारे जा चुके हैं। आग लगने से पहले इस द्वीप पर करीब 50,000 कोआला थे। गौरतलब है कि ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में पिछले 4 महीना से आग लगी हुई है तथा इसमें करीब 50 करोड़ वन्य जीव जो हैं वो मारे गए हैं। तो आपको याद रख लेना है, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जा सकता है कहाँ पर हाल ही में जो है आग लगी है जिसके कारण वन्य जीव की बहुत
ज़्यादा क्षति हुई है। तो आपका उत्तर होगा ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है, इन देश में टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार के किस मिशन के दूसरे चरण की शुरुआत की गई है? तो टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए कौन से मिशन के दूसरे चरण की शुरुआत की गई? तो इसका सही उत्तर आपको पता होगा, इंद्रधनुष 2.0। ये जो है मिशन है टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए, और इसके हाल ही में जो है दूसरे मिशन की दूसरे चरण की शुरुआत की गई है, आपको याद रख लेना है। मिशन इंद्रधनुष 27 राज्यों के 272 जिलों, उत्तर प्रदेश और बिहार के 650 विकास खंडों में शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य अन्य अभियानों में छूटे क्षेत्रों में सभी दवाएं उपलब्ध कराना और चिन्हित जिलों में बच्चों और गर्भवती महिलाओं तक इसकी पहुंच बनाना। इस टीकाकरण अभियान में डिप्थीरिया, काली खांसी, टेटनेस, पोलियो, खसरा, तपेदिक, हेपेटाइटिस बी, दिमागी बुखार और निमोनिया के टीके भी शामिल हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है, निम्न में से भारत के किस शहर में महिला विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हाल ही में किया गया है, तो वो किया गया है दोस्तों बेंगलोर में, यानी कि जो विकल्प नंबर 4 है वो इसका सही हो जाएगा। महिला विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किया है बेंगलोर में, बेंगलोर में महिला विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य है विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्र में काम कर रही महिलाओं के अनुभव और उपलब्धियों को साझा करना। इस उद्घाटन में मुख्य अतिथि के रूप में DRDO की एरोनॉटिकल और मिसाइल वुमन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर डॉक्टर टेसी थॉमस जो है मौजूद रहीं। तो आपको याद रख लेना है, आपसे पूछा जाएगा कि जो है मिसाइल वुमन ऑफ इंडिया के नाम से कौन मशहूर है, तो आपका उत्तर होगा डॉक्टर टेसी थॉमस। ये चीज़ आपको याद रखनी नहीं है। और हाल ही में महिला विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किया गया है बेंगलुरु, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में। अगला हमारा प्रश्न है, खगोलविदों ने हाल ही में सबसे दूर स्थित किस आकाशगंगा समूह की खोज की है? तो आपका उत्तर होना चाहिए, जल्दी से कमेंट में बताएंगे अगर आपको पता है तो, किस आकाशगंगा समूह की खोज की है? तो EGS-77 यानी कि जो विकल्प नंबर 1 है वो इसका सही हो जाएगा। EGS-77 आकाशगंगा समूह की खोज की गई है। किसने की है? तो खगोलविदों ने की है। आपको याद रख लेना, खगोलविदों ने हाल ही में सबसे दूर स्थित EGS-77 आकाशगंगा समूह की खोज की। यह समूह पहली बार देखा गया तथा इसकी खोज भारतीय मूल के वैज्ञानिक विट्ठल तिलवी जो कि गोवा में जन्मे हैं उन्होंने की है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कहाँ की पुलिस प्रशासन ने सुकन्या परियोजना के तीसरे चरण की शुरुआत की है? तो आपका उत्तर होगा दोस्तों कोलकाता पुलिस। कोलकाता पुलिस ने हाल ही में जो है सुकन्या परियोजना के तीसरे चरण की शुरुआत की है। कोलकाता पुलिस प्रशासन ने सुकन्या परियोजना के तीसरे चरण की शुरुआत की। इस परियोजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो है स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ने वाली लड़कियों को आत्मरक्षा प्रशिक्षण प्रदान करना। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपसे पूछा जाएगा सुकन्या परियोजना के तीसरे चरण की शुरुआत कहाँ की गई? तो किस राज्य की पुलिस ने की है? तो उत्तर होगा कोलकाता पुलिस ने। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, पश्चिम बंगाल सरकार को सही करार देते हुए किसने मदरसा सेवा आयोग कानून 2008 की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, किसने रखा है मदरसा सेवा आयोग कानून 2008 की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है? तो वो रखा है सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है, और जब भी सुप्रीम कोर्ट की बात आती है तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में एक क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर बनेगा कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के अलावा जजों की संख्या कितनी हो गई है? तो आपका उत्तर होगा 33, और मुख्य न्यायाधीश मिलाकर टोटल जजों की जो संख्या है वो 34 है। ठीक है, याद रख लेना है, मुख्य न्यायाधीशों की जो संख्या है वो 34 है। और हाल ही में मदरसा सेवा आयोग कानून 2018 की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है तो सुप्रीम कोर्ट ने रखा है, तो याद रखना है। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को सही करार देते हुए मदरसा सेवा आयोग कानून 2008 की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा। कोर्ट की मंजूरी के साथ ही राज्य के मदरसों में शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। तो आपको याद रख लेना है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, DRDO के एयरोनॉटिकल सिस्टम की महानिदेशक कौन है जिन्हें भारत की मिसाइल वुमन भी कहा जाता है? तो अभी हमने देखा कि भारत की जो मिसाइल वुमन कहा जाता है वो किसे कहा जाता है, डॉक्टर टेसी थॉमस, यानी कि जो विकल्प नंबर 1 है वो इसका सही हो जाएगा। ठीक है, महिला विज्ञान कांग्रेस की जो हाल ही में उद्घाटन किया गया है उसकी मुख्य अतिथि रही डॉक्टर टेसी थॉमस,
जो है डीआरडीओ के एरोनॉटिक्स सिस्टम की महानिदेशक हैं और इन्हें भारत की मिसाइल वुमेन भी कहा जाता है, तो डॉक्टर टेसी थॉमस को कहा जाता है, याद रख लेना है। और भारत के मिसाइल मैन किसे कहा जाता है तो आपको उत्तर बताना है कमेंट में, सभी को पता है तो याद रख लेना है। रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन की वैज्ञानिक डॉक्टर टेसी थॉमस महिला विज्ञान कांग्रेस की मुख्य अतिथि थी। महिला विज्ञान कांग्रेस का आयोजन 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस के दौरान किया गया। डॉक्टर टेसी थॉमस भारत में किसी मिसाइल प्रोजेक्ट का नेतृत्व करने वाली पहली महिला हैं। वे अग्नि फोर्थ मिसाइल की प्रोजेक्ट डायरेक्टर रह चुकी हैं। तो आपको क्या याद रख लेना है, आपसे पूछा जाएगा कि हाल ही में कौन सी भारतीय विज्ञान कांग्रेस का जो है आयोजन किया गया, उद्घाटन किया गया है महिला विज्ञान कांग्रेस का, तो आपका उत्तर होगा 107वीं। ठीक है, अब आपको याद रख लेना है कि इसकी मुख्य अतिथि कौन रही हैं, तो डॉक्टर टेसी थॉमस है ना। और मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो डॉक्टर टेसी थॉमस को कहा जाता है, ये चीज भी आपको याद रखनी नहीं है। ठीक है, और अग्नि फोर्थ मिसाइल की प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन रह चुकी हैं, तो डॉक्टर टेसी थॉमस रह चुकी हैं। तो इतने सारे क्वेश्चन यहां से आपके क्लियर होंगे। हाल ही में भारत सरकार द्वारा घोषणा के अनुसार भारत क्यूबा को सोलर पार्कों के निर्माण के लिए कितनी राशि का योगदान करेगा, तो वो करेगा दोस्तों 75 US डॉलर की जो है सहायता देगा क्यूबा को, किस लिए, सोलर पार्कों के निर्माण के लिए। याद रख लेना, भारत क्यूबा को सोलर पार्कों के निर्माण के लिए 75 US डॉलर जो है 500 करोड़ से भी अधिक राशि का जो है योगदान करेगा, तो आपको याद रख लेना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की CMD नियुक्त किया गया है। जल्दी से आपको बताना है किसे किया गया है शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की CMD, तो इसका सही उत्तर होगा HK जोशी। HK जोशी को हाल ही में शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की जो है CMD नियुक्त किया गया है, आपको याद रख लेना है। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी ने इंग्लैंड में हेस्टिंग्स अंतर्राष्ट्रीय शतरंज कांग्रेस का जो है खिताब जीता है, तो किसने जीता है। अगर आपको उत्तर पता है तो जल्दी से उत्तर बताओ, उत्तर हो जाएगा P मंगेश चंद्रन, यानी कि जो विकल्प नंबर 2 है वो इसका सही हो जाएगा। P मंगेश चंद्रन ने हाल ही में इंग्लैंड में आयोजित हेस्टिंग्स अंतर्राष्ट्रीय शतरंज कांग्रेस का खिताब जीता है, आपको याद रख लेना है। भारत के P मंगेश चंद्रन ने इंग्लैंड के हेस्टिंग्स में प्रतिष्ठित 95वें हेस्टिंग्स अंतर्राष्ट्रीय शतरंज कांग्रेस का खिताब जीता। चंद्रन ने 8वें दौर में भारत के ही ग्रांड मास्टर दीप सेन गुप्ता को हराया था। इस समय विश्व में नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी नॉर्वे के जो है मैगनस जो कॉलरसन है, जबकि भारत के नंबर 1 खिलाड़ी हैं विश्वनाथन आनंद, आपको याद रख लेना है, और 13वें स्थान पर हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहां पर हमने 12 क्वेश्चनों पर चर्चा की जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद में दोस्तों जो नेक्स्ट आपका वीडियो होगा वो पूरे सप्ताह का आपको करंट अफेयर्स मिलेगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है, तो वो जरूर देखें। और साथ ही आपको कमेंट में जो क्वेश्चन लिखना है वो लिखना है, विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए किस वैज्ञानिक को वर्ष 2020 के इंदिरा गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो ये 4 विकल्प आपके सामने हैं। जल्दी से उत्तर आपको कमेंट में लिखना है ना। और विस्तृत रूप से अगर आप बता सकते हैं तो विस्तृत रूप से भी बता सकते हैं, कुछ लोग बहुत ही विस्तृत रूप से महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध करवाते हैं। ठीक है, तो आप भी लिख सकते हैं, कमेंट में जरूर आपको लिखना है। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को जरूर दबाना है। दोस्तों ये मेरा फेसबुक पेज है IAS Study Track, तो इससे भी आप जुड़ सकते हैं। और PDF और स्टडी मटेरियल के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए आपको सर्च करना है IAS Study Track और ज्वाइन हो जाना है। तो देखते हैं दोस्तों पिछले वीडियो के महत्वपूर्ण कमेंट जो साथियों ने किए हैं। तो साथियों बहुत सारे लोगों ने कमेंट में लिखा है, रईस भाई जी ने भी बताया है, बहुत बढ़िया, इन्होंने सही उत्तर बताया है। सविता जी ने भी बताया है कि रीट लेवल की मुझसे फर्स्ट की जो है तैयारी करनी है, तो हिंदी साहित्य की क्लास तो शुरू हो चुकी है सेल्फ स्टडी क्लासेस में। बहराम सिंह जी इन्होंने भी बताया है का आंसर 3 स्माइल कहानी, बहुत बढ़िया। मनोज राय जी ने भी सही बताया है, देवेश जी ने बताया है, इन्होंने लिखा है कि स्क्रीनशॉट में दिक्कत होती है। जी देवेश जी, मैंने अपना आपका कमेंट पहले भी पढ़ा है। राहुल कुमार जी इन्होंने भी लिखा है, बहुत बढ़िया। मोहम्मद सलीम खान जी इन्होंने भी सही उत्तर बताया, एमके वर्मा जी हमेशा सही बताते हैं, वेरी गुड। देवेश शुक्ला जी इन्होंने अपनी पूरी बात रखी है, जिन बहुत बढ़िया देवेश जी, मैं पढ़ चुका हूँ
आपके पूरे कमेंट। और पिंटू राजपूत जी, देवेश जी हमेशा विस्तृत रूप से लिखते हैं और सपोर्ट करते हैं चैनल को, सुझाव भी देते हैं, बहुत बढ़िया, अच्छा लगता है। ज्योति रजक जी, इन्होंने भी उत्तर सही बताया है, वेरी गुड। और साथ ही पवन गुप्ता जी ने भी सही उत्तर बताया है। तो सभी लोगों ने उत्तर बताने का प्रयास किया है। दोस्तों इसी प्रकार से कमेंट करते रहें, वीडियो को लाइक करते रहें। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।